एंट्री दी हुई है फर्स्ट एंट्री दी हुई है कि जो गुड्स है वर्थ रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड प्रोपराइटर ने विड्रॉ की है फॉर द पर्सनल यूज बट गलती से वो डेबिट हो गई है पर्सनल यूज के लिए उसने ली थी गुड्स वर्थ रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड जो गलती से उसने हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया किस में ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में किस में ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में अब इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी पहली वाली की एंट्री होनी चाहिए थी प्रोपराइटर ने गुड्स ली हैं पर्सनल यूज के लिए एंट्री होनी चाहिए थी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट कितने की ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड ये एंट्री होनी चाहिए थी हुई क्या डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट मतलब डेबिट में ड्राइंग की जगह ट्रेड एक्सपेंस आ गया है तो अज्यूम मत करो कि नीचे गलत हुआ है नीचे सही है नीचे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है सो so, सिंपल क्या मिस्टेक हुई है सिर्फ वो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट हो गई है टू परचेजेस टू परचेजेस अकाउंट सो यंड्रेड य

रॉन्ग है वो अपना साइड चेंज कर देगा वो क्रेडिट में आ जाएगा सिंपल राइट ऑन राइट साइड रॉन्ग ऑन अदर साइड क्या होगा राइट ऑन राइट साइड एंड रॉन्ग ऑन अदर साइड अदर साइड पर चला जाएगा सो so, हम हाउ वी विल राइट सो वी विल इट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट ट्वेल्व हंड्रेड एंड दिया है, कि old plant जो है वो सोल्ड टू अरुण फॉर रुपीज थ्री थाउजेंड ओल्ड प्लांट हमने अरुण को सेल किया है थ्री थाउजेंड रुपीज में हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं वो इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओल्ड प्लांट अगेन सोल टू अरुण फॉर रुपीज थ्री थाउजेंड यहाँ पे कैश नहीं लिखा है सिर्फ अरुण लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हमारा प्लांट चला गया अरुण के अरुण को दिया हमने तो हमारी राइट एंट्री होनी चाहिए थी अरुण अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट हमारा प्लांट चला गया कितने का थ्री थाउजेंड रुपीज का हियर एंड थ्री थाउजेंड रुपीज का हेयर बट हम ये एंट्री लिखना ही भूल गए हैं दिस इज एरर ऑफ ओमिशन हमने यहाँ लिखा ही नहीं है रॉन्ग कुछ है ही नहीं तो हमें यही वाली एंट्री रेक्टिफाइड लिखनी है अरुण अकाउंट डेबिट अरुण को क्या मिला टू प्लांट अकाउंट तो अगर ओमिशन कभी भी हो जाए तो सिंपल वो एंट्री लिख देनी है एंड वी आर डन वी आर सॉर्टेड ठीक है इजी हो जाता है सो so सेम हमने लिख दिया हाँ नरेशन लिखना मत भूलना बीइंग अकाउंट या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट इजटिफाइड नीचे आप नरेशन लिखना मत भूलना चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं थर्ड वन नाउ गुड्स ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सेल प्राइस थ्री थाउजेंड टेकन बाय द ओनर नॉट बीन रिकॉर्डेड पहली बात जब भी ओनर कभी भी गुड्स को ले तो हम उसका कॉस्ट प्राइस लेते हैं सेल प्राइस नहीं लेते सेकेंड थिंग अब रिकॉर्ड नहीं किया है तो मतलब ओमिशन ही है थर्ड वाला अगर कभी भी ओनर कभी भी ओनर लेकर जाता है तो उसको हम लिखते हैं गुड्स लेकर जाता है तो हमारी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू दैट विल बी परचेजेस जब भी गुड्स जाती हैं अदर देन सेल तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है वी वी हैव हैव सीन डन दैट इन जर्नल एंट्री कितने का ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कॉस्ट के साथ सेल प्राइस के साथ नहीं ये एंट्री हमने नहीं लिखी है वी ओमिटेड हम कह सकते हैं हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं सो अब इसकी रेक्टिफाइड क्या होगी कुछ नहीं जो नहीं लिखी थी उसको लिख दो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट इज अकाउंट दैट इज हाउ मच ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो अंडरस्टूड कभी भी कोई भी ओमिशन हो जाए ये भी ओमिशन था ये भी ओमिशन था लिखना भूल गए तो सिंपल जो एंट्री होनी थी वो हमने कर दी अगर कुछ गलती होती तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं अभी तो ओमिशन है ओमिशन में डायरेक्टली हम एंट्री लिखेंगे लेट्स सी द फोर्थ एंट्री नाउ गोपी इज रिटर्न एज द स्टॉक फॉर रूपीज टू थाउजेंड इंक्लूडेड इन द स्टॉक बट नॉट रिटर्न इन द एंट्री हमने अभी लिखा ही नहीं है उसको ठीक है तो लिख लेते हैं एंट्री तो है हमें किसी ने रिटर्न दिया है मतलब सेल्स रिटर्न है तो हम सेल्स रिटर्न के लिए एंट्री क्या लिखते हैं दिस विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोपी ठीक है टू गोपी थाउजेंड रुपीज टू थाउजेंड रुपीज का उसने हमें माल रिटर्न किया है स्टॉक में हमने ऐड कर लिया है बट एंट्री नहीं लिखी है तो एंट्री तो लिखनी पड़ेगी एरर ऑफ ओमिशन अगेन यहाँ पे भी हम लिखेंगे सेल से रिटर्न रिटर्न गोपी, गोपी अकाउंट आ जाएगा कितना टू थाउजेंड टू थाउजेंड तो दिस वॉज आवर फोर्थ एंट्री आपको समझ आया जो हमने नहीं लिखी थी एंट्री बस लिखनी है चाहे स्टॉक में ले लिया था बाकी सब में नहीं लिया ना तो हमें एंट्री लिखनी पड़ेगी दोनों अकाउंट में लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री नाउ फिफ्थ वन नेक्स्ट एंट्री में आप देख रहे हो सैलरी टू राम जो है वो ओमिशन मतलब है. है. है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे जब भी हम सैलरी किसी को देते हैं तो हम कभी भी उसके पर्सनल अकाउंट का नाम नहीं लिखते तो हम लिखते हैं सिंपल सैलरी जो हम सैलरी दे रहे हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हम जो उसको पेमेंट देंगे वो सो हियर वी आर गिविंग सैलरी थ्री थाउजेंड रुपीज टू राम हियर यहां हमने लिखा नहीं है वी हैव नॉट रिटर्न एंड इसको वापस हम यहाँ लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश थ्री थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड इजी है ये भी ओमिशन है सी द लास्ट एंट्री नाउ फॉर दिस क्वेश्चन कौन सी एंट्री है जिसमें रेक्टिफाई हमें करना है यहां लिखा है कि मटेरियल ऑफ रुपीज एटीन हंड्रेड एंड वेजेस फॉर रूपीज ट्वेल्व हंड्रेड इज रिलेटेड टू मेकिंग अ फर्नीचर एंड नो एंट्री हैज बिन पास फॉर इट अभी हमें समझना पड़ेगा अगर हम मटीरियल खुद का यूज करते हैं अपनी एसेट को बनाने के लिए तो हमारी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट एसेट आया है टू दट परचेजेस क्योंकि वो गुड से रिलेटेड है यहाँ पे मटीरियल भी लग रहा है एटीन हंड्रेड का और वेजेस भी है टू ट्वेल्व हंड्रेड के फर्नीचर बनाने के लिए तो एक्चुअली में जो एंट्री होनी चाहिए और इसकी कोई एंट्री पास हुई नहीं है तो वो हम करेंगे फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर तो बन रहा है एसेट आ रहा है इसीलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस मटेरियल के लिए टू वेजेस जो हमने उनके लिए वेजेस किए हैं तो फर्नीचर में हमारे आ गए टोटल थ्री थाउजेंड परचेजेस के अंदर एटीन हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड फॉर फॉर वेजेस तो यहाँ पे हमने अगेन ओमिट कर दिया है नहीं लिखा है सो तो अब यहाँ पे वापस हम यही वाली एंट्री लिख देंगे सो तो इट विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस मटीरियल के लिए टू वेजेस फॉर वेजेस सो यहां पे आ जाएगा परचेजेस हमारा और वेजेस हमारा ट्वेल्व हंड्रेड एटीन हंड्रेड ओके तो इस तरीके से जो ओमिशन वाली एंट्री है वो तो डायरेक्टली जो राइट एंट्री है उसी को लिखा जाता है नॉर्मली ओमिशन वाली एक दो ही आती है ज्यादा नहीं आती है लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद एक नया क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हम एंट्रीज को कैसे लिखेंगे अगेन राइट रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड